स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज माँ हमारी महारानी का छठा दिन है, माँ कात्यायनी। तो आज इनको पूजा जाता है। हम एक और थाली बनाने चलेंगे और उसके लिए आपको पता ही है कहाँ चलना है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ। चलिए बनाते हैं वो हम पनीर की भुजिया। यहाँ मैंने एक पैन रख दिया है गैस पे, और पैन गरम होने पे इसमें हम थोड़ा डालेंगे तेल, उसके बाद डालेंगे हम जीरा। और जैसे ही हमारा जीरा तड़क जाए उसके बाद ही हम यहाँ पे कटे हुए टमाटर डाल देंगे, और टमाटर को चला देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। आप इनको कंटिन्यू चलाते रहिए और हल्का हल्का इनको प्रेस कर करके देखते रहिए कि गल गए हैं कि नहीं। इसी तरीके से चला चला के हम टमाटर को गला लेंगे। और थोड़ी सी मैं यहाँ डाल रही हूँ उसमें हल्दी और लाल मिर्च, और जाएगा सूखा धनिया, और जाएगी इसमें कुटी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, और साथ ही जाएगा सेंधा नमक। अब ये सारे मसाले हम इसी टमाटरों में मिक्स कर देंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन के आए। सारे जैसे ही मसाले पक जाएंगे, मसाला पकने के बाद ही यहाँ पे मैंने पनीर को डाल दिया। पनीर मैंने धो के और ग्रेट करके रख लिया था, और उसके बाद हम पनीर को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले पनीर में हम इसको मिक्स करके एक हमारी अच्छी सी भुजिया बनके तैयार हो जाएगी। लास्ट में मैंने यहाँ पे देगी मिर्च डाली है, ये ऑप्शनल है, थोड़ा कलर के लिए डाली है। आप अगर डालना चाहते तो डाल लीजिए, वरना स्किप कर दीजिए। और देगी में उसको भी मिला देंगे और डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया, और उसके बाद हमारी भुजिया बनके तैयार है। स्टार्ट करते हैं घिया के कोफ्ते। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में तेल डाल दिया, तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि हमें कोफ्ते फ्राई करने हैं। यहाँ मैंने घिया ले ली थी, उसको छील के और कद्दूकस करके उसको घिस लिया था, और यहीं पे मैं डालूंगी थोड़ा सा व्रत वाला आटा। साथ डालेंगे हम 1 से 2 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया और नमक। नमक डालने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे और एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा पतला नहीं रखना हमें, नहीं तो हमारे कोफ्ते गोल नहीं बन पाएंगे। इस तरीके से सारा हम मिक्स करके अच्छा से डो बना लेंगे। चलिए डो बन के हमारा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम कोफ्ते बनाएंगे, आपको छोटे बड़े जैसे भी आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको पसंद है इस तरीके से बना लें। मैं सारे कोफ्ते एक ही बार में बना लूँगी, और उसके बाद उनको हम एक एक करके तेल में डाल के उसको हम डीप फ्राई करेंगे। सिम हमारी लो ही रहेगी, ज़्यादा तेज आंच में नहीं बनाना है, वरना ऊपर से तो कोफ्ते आपके पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए इसको सिम लो करके ही पकाएं, और हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद ये हम उतारेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं इनको अलट पलट कर रही हूँ, अब इस तरीके से आप भी अलट पलट करके इन कोफ्तों को सेक लीजिए। सारे कोफ्ते देखिए इस तरीके से हमारे सिक गए हैं, और अब हम इनको निकाल लेंगे। चलिए कोफ्ते हमारे सारे सिक्के तैयार हो गए, तो बनाते हैं हम कोफ्तों की ग्रेवी। तेल को हम कम कर लेंगे, या तो अलग बर्तन में तेल ले लीजिए, वही तेल जो गर्म था मैंने उन्हीं में से तेल ले लिया है, और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा जीरा। और जीरा डालने के बाद यहाँ पे मैं टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी। 2 से 3 टमाटर ले लिए थे मैंने, उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और वही डाल देंगे। आप अगर चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके डाल लीजिए,
वरना इस तरीके से डालेंगे तो ग्रेवी हमारी थोड़ी अच्छी बनेगी। यहाँ पे जो मसाले मेंशन हो रहे हैं वो मसाले आप इसमें डाल दीजिए और अच्छे तरीके से मसाले को हम पका लेंगे। तेल जैसे हमारे ऊपर आ जाएगा तो समझ लीजिए हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा पानी, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से ही आप पानी डाल लीजिए। जब पानी हमारा ऐसे उबलने लग जाएगा तभी हम यहाँ पे अपने जो फ्राई करे हुए कोफ्ते हैं उनको डाल लेंगे और उसके बाद इसको हम कुछ समय के लिए पकने देंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी सी ठीक हो जाए। आपको अगर पतली अच्छी लगती है तो पतली उतार लीजिए। चलिए ग्रेवी हमारी बनके तैयार है, ऊपर से हम धनिया की गार्निश कर देंगे और उसके बाद हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। चलिए बनाते हैं हम कुट्टू के आटे के पराठे। यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे, आलू को हम यहाँ देखिए इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद यहाँ पे मैंने व्रत वाला आटा ले लिया है। जो कुट्टू का आटा होता है उसको हमेशा छान के लीजिए, कोई भी आटा हो आप हमेशा छान के ही बनाएं तो बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका। इस तरीके से अब यहाँ पे मैंने डाल दी हरी धनिया और थोड़ा सा मैं डालूंगी यहाँ पर काला नमक और थोड़ा सा हम यहाँ पे तेल डाल देंगे और उसके बाद इसको हम मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे। जैसे हम रोटियाँ बनाने के लिए डो बनाते हैं आटे का, बस वैसे ही इसका भी डो बनाना है। इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस इस तरीके से जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे आटा लगा के आप बेलन से बिल्कुल हल्का हल्का हाथ मारिए, बेलन का जोर से नहीं इसको प्रेस करेंगे वरना ये रोटी फट जाएगी, इसलिए हल्का हल्का प्रेस करें और आराम से उठा के तवे पे डाल दें। और इसी तरीके से चाहे आप इसको रोटी बना के देसी घी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसको पराठे बना सकते हैं और आप चाहे तो इसको पूरी भी बना सकते हैं। यहाँ ये देखिए मैं तेल लगा के इसे पराठे बना रही हूँ, तरीके से अलग पलट करके और तेल लगा के, तेल या घी जो भी आप खाते हैं लगा के इस तरीके से पराठे बना लीजिए और एक एक करके इस तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। अब बनाते हैं हम घी का रायता। यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, घी को मैंने छील के और उसको धो के घिस के उबाल लिया था और उबाल के उसका हमने पानी निकाल के जो घिया था उसको हमने दही में डाल दिया और यहीं से फिर हम डाल देंगे ऊपर वाला नमक। और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और बस अब हम इसको मिक्स कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा घी का रायता। चलिए हमने खाने का भोग तो लगा ही दिया है, अब हम माता रानी को पानी पिलाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी बनाई हुई थाली कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताइए और आप मेरी इस थाली को जरूर फॉलो करें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये थाली। आप मेरा राजी को फॉलो कर सकते हैं
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आऊंगी फिर से अगले दिन के लिए एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हम प्रणाम करते हैं अपनी महामाई को और मैं चलती हूँ। बाय बाय एंड जय माता दी।